जहाँ पर राज्य मुस्लिम हिंदू मुस्लिम खाटिक समाज की तरफ से और राज्य वाहतूक की तरफ से हाजी अराफत जी और उनके सभी सहकारी यहाँ पर आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे हाजी हैदर और राणा साहब भी यहाँ पर उपस्थित रहे। जो बात समाज के हित की थी वो हाजी अराफत साहब ने मेरे सामने रखी। जो बात थी कि आज जो व्यापारी है वो महाराष्ट्र के त्रस्त है, उन व्यापारियों को महाराष्ट्र के बाहर से आने वाले व्यापारी खरीदारी करने से भाव में बहुत ऊंचा हो रहा है और उसके कारण आम आदमी भी तकलीफ में जा रहा है उस बात को, और साथ में जो चमड़ा निकलता है वो चमड़ा खरीदार भी नहीं मिल रहा और उसका प्रोसेसिंग प्लांट भी स्टेट में नहीं है, उसके कारण भी व्यापारी परेशान है, खाटिक परेशान है। उस बात को असेंबली में हमने उठाया है, आगे चलकर इस बात को लेकर केंद्र सरकार में भी एक्सपोर्ट के मामले को लेकर कॉमर्स मिनिस्टर को भी मिले। कल भी इस विषय को मैं संबंधित राज्य के मंत्री से बात करूंगा और दो दिन के अंदर इसके आगे की दिशा हम तय करेंगे। लेकिन इस विषय को, खाटिक समाज को, व्यापारियों को, उनकी समस्याओं को अंजाम देने तक इस इशू को नहीं छोड़ेंगे। पिछले कुछ दिनों से खाटिक समाज के ऊपर एक जो आफत आई थी और वो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। पिछले 3 साल पहले हमारा सबसे बड़ा इशू था चमड़े का, तो लेदर जो था चाइना मार्केट की वजह से इतना डाउन हो चुका था कि 500 रुपये का चमड़ा 15 रुपये में आ गया, और 15 रुपये जो अगर उसको हमको उसको संभालना है तो उसके पीछे 10 रुपये खर्चा, मतलब 25 रुपये का हमारा वो चमड़ा पड़ता है और बिकने का 15 रुपये में, ये एक बड़ा नुकसान हो रहा था। जो कमाई थी वो कमाई इस तरीके से रास्ते पे जा रही थी, अगर हम उसको चमड़े को फेंकते हैं तो कॉरपोरेशन हमको फाइन कर रहा है, चमड़े को अगर ज़मीन में गाड़ते हैं तो कलेक्टर के लोग फाइन करते हैं, तो एकदम ऐसा उछल विचल मामला आ गया था कि जिसकी वजह से खाटिक समाज, हिंदू मुस्लिम खाटिक समाज इसके अंदर बहुत परेशान हो रहा था। फिर दिन पे दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही थी कि अदर स्टेट के लोग महाराष्ट्र में आके बकरे खरीद के ले जा रहे थे, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया और कर्नाटक हो गया, वहाँ उस जगह के लोग आने लगे, और मुंबई का जो लोग है वो उसके अंदर आके जब उनके जाने के पहले वो खरीद के लेके जाने शुरू कर दिए। जो मुंबई शहर को जो गोश्त मिलने वाला है, एक तो ख़राब गोश्त मिलने लगा, दूसरी बात अगर वो अच्छा गोश्त बकरा ले जाने की वजह से तो महंगाई इतनी हो गई कि 650 रुपये में हमारे लोग खरीद रहे और 600 रुपये में बेच रहे हैं, 50 रुपये का उसके अंदर उनको फ़र्क आ गया। ग्राहक बोलता इतना महंगा कैसा हो रहा है, मतलब हर चीज़ों की आफत इन पे आई थी। तो हमने जाके सारी बातें आशीष शेलार साहब के सामने रखी, एक्सपोर्ट की बात रखी कि हिंदुस्तान का जो बकरा है बाहर जा रहा है और बाहर जाने की वजह से यहाँ बकरा कम पड़ रहा है, जैसे कि कांदे के ऊपर, दाल के ऊपर, अनाज के ऊपर, ऐसी जब हमारे देश में अगर कम होता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, उस तरीके से पाबंदी लगना चाहिए। तो तुरंत आशीष शेलार साहब ने सदन के अंदर आवाज़ उठाई, सुनील केदार साहब से उस कंसर्न मिनिस्टर से बात की, एक राहत देने का काम किया। उन्होंने कहा कि हम चमड़े का जल्द से जल्द प्रोसेस प्लांट महाराष्ट्र में लेके आएंगे। एक्सपोर्ट के लिए पीयूष गोयल साहब से बात की कि एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए ताकि इनको राहत मिले। इस वजह से दोनों का फ़ायदा होगा, ग्राहक का भी फ़ायदा हो जाएगा, बेचने वालों का भी फ़ायदा हो जाएगा और व्यापारियों का भी फायदा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के, मुंबई के भूमि पुत्रों को अच्छा मटन खाने मिलेगा और ये जो लोग हैं इनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगा। नहीं हो तो जैसे शेतकरी आत्महत्या कर रहे हैं विदर्भ में, उसी तरीके से इनको भी आत्महत्या करने की बारी आती थी। एक बड़ी राहत आशीष शेलार साहब ने जो दी, एक पार्टी के माध्यम से उन्होंने खड़ा रहा, एक दोस्त बन के, एक भाई बन के खड़ा रहा, इसीलिए हमारा फ़र्ज था कि हमारे लिए किसी ने आवाज़ उठाई तो हम भी मुसलमान कौम ऐसी कौम है जिस अगर एक कदम कोई चलता है तो हम 100 कदम उसके लिए चलते, इसीलिए सबके सब 100 कदम चल के आए और उनका आज हमने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। दिल्ली भी गए थे इस सिलसिले में? हमने दिल्ली दो कारण में हम जाने का था, एक वाहतूक संगठना की, जिसके ऊपर मैं वाहतूक संगठना के तहत बिल्कुल कई सालों से हम काम कर रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो बसेस है, जैसे हमारे कई बड़े ट्रैवल्स महाराष्ट्र के अंदर है, जैसे नीता ट्रैवल्स वगैरह, ऐसे कई ट्रैवल्स है, तो वो ट्रैवल्स जो चल रहे नेशनल परमिट गाड़ियाँ हैं, तो इस सरकार के अंदर एक ऐसा अद्भुत चीज़ लेके आके खड़ा कर दिया। RTO कमिश्नर कहते हैं कि जो नेशनल परमिट गाड़ी है, जो महाराष्ट्र के अंदर 36 सीटर जो गाड़ी अगर आएगी तो हम उसको डिटेन कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा,
पैसेंजर चेक पोस्ट पर उतार दिया जा रहा है, बूढ़े होने दो, बच्चे होने दो, सीनियर सिटीजन किसी को देखा नहीं जा रहा है, वो उतारने का काम करते। तो कोल्हापुर में तो 2-3 गाड़ियां कट भी कर दी, तो हमने जाके कमिश्नर को मिला, तो कहा कि नेशनल परमिट गाड़ियों को आप रोक नहीं सकते, आप बोल सकते हैं, उस पर बंदी लाने का काम कर सकते हैं, लेकिन आप हमारी गाड़ी कट करने का आपको अधिकार नहीं है। कि अगर मुझे हरियाणा से लेके, गुजरात से लेके, राजस्थान से लेके, हर स्टेट ने हमको जब परमिशन दिया है, तो तुम कौन होते हमको रोकने वाले। ये सारी बातें हमने उनके पास रखी, और अगर कट भी करना है, अगर हम यहाँ रहते, अगर साबित करते, तो हमको वक्त होना चाहिए। तो तुरंत कमिश्नर ने कहा कि तुमको 2-3 महीने का हम वक्त देंगे। तुरंत हम फिर बात किए, देवेंद्र फडणवीस जी से बात किए, आशीष शेलार जी से बात किए, प्रवीण दरेकर जी से बात करके हम सीधा पहुँचे दिल्ली के तरफ, नितिन गडकरी साहब से बात की, और नितिन गडकरी साहब ने हमको एक बहुत बड़ी राहत दी कि GR की कॉपी दे दी, ये 36 जो सीटर का जो परमिशन है, ऑलरेडी गाड़ी को हमने उसको परमिशन 1.5 फीट, मतलब कितना 13 मीटर का हमको ऑलरेडी परमिशन, ऑलरेडी GR की कॉपी दी, और जाके उस कमिश्नर को बताइए कि ऑलरेडी बढ़ चुका है, कि रास्ते अच्छे हो चुके, ये जो 96 का जो रोड था, अब 96 का रोड नहीं, अभी दुनिया तरक्की कर रही है, रोड अच्छे बन गए, गाड़ियाँ अच्छी आने लगी, वो चीज़ तुम मत लेके आओ। उन्होंने आउट लेके आई कि नहीं स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर हम मापेंगे, नहीं तो हमने कहा कि चेसी टू चेसी तुम मापो, बम्पर टू बम्पर मापने की जरूरत है। अगर कोई गाड़ी अगर शोधार बनाता है, पहले एसटी जो आती थी सीधी आती थी, अभी एसटी आती जो गोल राउंड आती है, तो अभी आप कहते हैं कि नहीं इस तरीके से, अगर मैं अगर शर्ट की जगह मैं कोट पहनता तो आप बोलते नहीं कोट नहीं पहनना चाहिए। इस तरीके की भूमिका जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की थी, तो कहीं ना कहीं वो गलत थी, और वो उनको हमने आज ऑर्डर लेके आया, और सारे लोग उनके अंदर, इन लोग भी आशीष शेलार जी को थैंक्स कहने के लिए, सभी बड़े ट्रैवल्स के लोग बड़ी राहत, और ज़्यादातर जो ट्रक बस ड्राइवर जो थे वो महाराष्ट्र के भूमिपुत्र है, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, और उन लोगों का लिंक अगर कहीं गुजरात में रहने वाला है, उसका अगर वो उसका परिवार यहाँ, उसके पिताजी यहाँ रहते, तो क्या उसको आने का अधिकार नहीं है क्या? अगर कोई राजस्थान में रहता है, मगर मेरे पिताजी राजस्थान के और मैं महाराष्ट्र में, तो मुझे आने का अधिकार नहीं है क्या? ये सारी जो चीज़ें थी, कहीं ना कहीं उसको हैरेसमेंट करने का जो काम था, वो कहीं ना कहीं हमने रोकने का काम किया। सरकार अगर स्टेट में गई है, देश में तो है, लेकिन हमारे ऐसे जो लोग हैं ट्रांसपोर्टर के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रास्ते पे उतरने की भी ताकत, हमने तैयारी दिखाई थी। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा नितिन गडकरी जी का, आशीष शेलार जी का, देवेंद्र जी का, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत ट्रांसपोर्ट के जितने भी रिलेटेड जो हमारे बस ड्राइवर मालक थे उनको दी। इसके लिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और आज सभी ट्रांसपोर्टर और खाटिक समाज के लोग आशीष शेलार जी से मिलने आए और उनको थैंक्स बोलने के लिए आए।